गुड मॉर्निंग एस जी टी बी स्टूडेंट आई एम मनदीप योर एस एस टी टीचर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एन एस नाइन डिंग रोड सिरसा डियर स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे फोर आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फेडरलिज्म के कि फेडरल फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टू दैट इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन के मीन टू फोर्स एक्सप्लेन कि आज क्या है संघीय व्यवस्था के तहत सतह की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है इसको अपने ही व्याख्या करनी है इसका आंसर है ब्रिटेन एक्सप्रेस पे अब इसमें है आंसर में आप करोगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये क्या होते हैं आपके केंद्र राज्य संबंध एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट द दार्टीज रूल एट द देंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स अब इसका मीनिंग है कि जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने क्या किया राज्य के अधिकारियों की अनदेखी करने की कोशिश की द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिन मिस यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज दिस अंडरमाइंड द सप्रिट ऑफ फेडरलिज्म आल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी दिस पीरियड सा द राइज ऑफ रीजनल पोलिटिकल पार्टीज एंड मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री कि इसमें क्या उन दिनों का केंद्र सरकार के अक्सर क्या संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी ये क्या ये संघवाद की भावना की क्या प्रतिकूल काम था और उन्नीस के बाद ये स्थिति काफ़ी बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का क्या उदय हुआ था अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हैवर्मेंट्स एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स कि गठबंधन सरकारों और राज्यों की स्वायत्तता द ए एरा ऑफ कोलिशंस है रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर एन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरन लिजन पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर कि यह क्या यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था किसी एक दल को क्या लोकसभा में क्या स्पष्ट बहुमत नहीं मिला इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति बन पी नेक्स्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब इसमें बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अस्टेब्लिस्ड strict guidelines for इम इम्पोजिंग प्रेजिडेंट्स रूल्स विद न्यू गाइडलेंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एंड आर्बिट्रेरी मैनर्स इसमें क्या हुआ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कड़े निर्देश स्थापित किए और इन निर्देशों के कारण राज्य सरकार को मनमान्य ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टू डे दैन इट वॉज इन द अर् ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फोर्स इस प्रकार आज क्या है संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद दौर की तुलना में ज़्यादा क्या प्रभावी है नेक्स्ट आपका है द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कि केंद्र और राज्य सरकारों के भी सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है इसको एक्सप्लेन करना है आपने फर्स्ट है अंडर ए फेडरल गवर्नमेंट द फंडामेंटल प्रोविजन्स कैन नॉट बी अनलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेम इज ट्रू फॉर इंडिया कि संघीय सरकार में बुनियादी प्रावधानों को सरकार के एक स्तर द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता और यह भारत के बारे में भी क्या सच है नेक्स्ट द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओवन चेंज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कि अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव क्या नहीं कर सकती है एनी चेंज इन इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाई बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद दैट लिस्ट टू थर्ड मेजोरिटी देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाई द लेजिस्लेचर ऑफ दट लिस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स क्या इसमें कि ऐसे किसी भी बदलाव को पहले लेकर संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से मंजूर किया जाना होता है फिर कम से कम के आधे राज्यों की विधानसभाओं से क्या उसे मंजूर करवाना पड़ता है तो ये थी बेटे जो आपके टू शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से इनको लर्न करना है आज के लिए आपका ये रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगी थैंक्स बेटे हैव ए नाइस डे